हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया गया। तो कहाँ पे जाकर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, उसमें google.com ओपन करना, इसमें टाइप करना जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिसपे आपको जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि IASpaper.net, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IASpaper.net जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022, इसी लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज़ हो गई है वो 25th को रिलीज़ हुई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म फिल कर लेना, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंडस्ट्री, कोर्स, साइजेस, क्वालिफिकेशन, गेट वे कौन सी पे क्लिक करना है, इसे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS कर दिए जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो रिलीज़ हो गया है। तो यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है वो बताते हैं पहले। तो आपको इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। आप देख सकते हैं UPES, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी एंड DIIT यूनिवर्सिटी। तो ये इंडिया के टॉप 6 यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। तो आपको यहाँ पे रीज़न मिलते हैं 4 एडमिशन लेने के लिए। आपको यहाँ पे 100% प्लेसमेंट मिलने वाली है और क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाला है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। सपोर्टेड, आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं, अपने आसपास में कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो क्या होगा, वहाँ के आसपास के बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, उस कॉलेज के पास के बच्चे आएंगे, उस कॉलेज के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आएंगे, क्या अलग स्टेट से भी बच्चे आएंगे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, नहीं आएंगे। लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऐसी है, ये टॉप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट के बच्चे आते हैं, इंडिया के अलग अलग स्टेट के ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्री के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो आपको क्या करना है, उनके साथ रहेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे तो क्या होगा, आपका माइंड एक्सचेंज होगा, कल्चर एक्सचेंज होगा, टैलेंट एक्सचेंज होगा एंड आपका नॉलेज एक्सचेंज होगा। तो आपको इन यूनिवर्सिटी में ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। आपकी जगह पर मैं होती तो डेफिनेटली लेती। तो क्या करना है आपको, अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है तो क्या करना है, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके सिंपली आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 25th को स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक करके आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपने कभी रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड फिल करके साइन इन पर क्लिक कर लेना। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना नाम, जो भी आपका नाम हो वो फुल नेम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर आपको फिल कर लेना है, एंटर पासवर्ड आपको अपने मन से एक पासवर्ड चूज़ करना है, कन्फर्म पासवर्ड करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कोर्स या फिर प्रोग्राम आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पे नेम आपको अपना नाम, फादर नेम जो भी हो फादर नेम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, अपने फादर का नाम, मदर नेम आपको अपने मदर का नाम फिल कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ जो भी हो वो आपको फिल कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल कर लेना अपना, जो भी रहा हो आपका डेट ऑफ बर्थ। सपोज मेरा 2000 है जनवरी में, तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड आधार नंबर, नेशनलिटी आपकी क्या है वो आपको फिल करने के लिए, रिलीजन क्या है, हिंदू, सिख, मुस्लिम जो भी हैं आप वो फिल कर लीजिए, क्या रहेगी आपकी क्या है, जनरल OBC ST SC जो भी हैं, जेंडर आपको मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं वो आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट इमेज पे आपको क्लिक करके फ़ोटो अपना अपलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस अपना देना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस हो यहाँ पे आपको बता देना है, एरिया कंट्री कौन सी है वो, स्टेट कौन सा है, कौन से स्टेट में आप रहते हैं वो, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है सिंपली। और यहाँ पर आपको स्टेट के कौन सी सिटी में आप रहते हैं वो बताना है आपको यहाँ पे।
उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड जो भी हो वो आपको बता देना है। पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करने के बाद टेलीफोन नंबर और यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है, आपने क्या किया है, टेंथ किया है, ट्वेल्थ किया है, ग्रेजुएशन किया है, पीजी, अदर कोर्सेज जो भी आपने किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम। मैंने टेंथ किया है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम, बोर्ड का नाम क्या था वो आपको यहाँ पर बता देना है, जो भी आपके बोर्ड का नाम होगा। और यहाँ पे आपको ईयर बताना है, आपने किस ईयर में पास किया है बोर्ड, और यहाँ पे आपको रिज़ल्ट बताना है, रिज़ल्ट आपने पास कर लिया है या फिर अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो वो बता देना है, क्वालिटी आपकी बता देनी है, सब्जेक्ट कौन सा था वो बता देना है। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट मार्क, तो यहाँ पे आपको मार्कशीट अपनी अपलोड कर लेनी है। यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपका, उसके बाद आपको आईडी प्रूफ अपना अपलोड कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको टिक करके अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर लेना है, फिर सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो आपका ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिखने लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपका नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर लेना है। तो ऐसे ही आपको करना, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर चेक करें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।